हेलो एवरीवन, होप यू आर कीपिंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक साइट्स। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम चैप्टर 8 क्यों शुरू कर रहे हैं, हमने चैप्टर 6 क्यों नहीं किया, चैप्टर 7 क्यों नहीं किया। देखिए, एक खुशी की बात है आपके लिए, मे बी ये दोनों चैप्टर जो है पूरे पूरे रिड्यूस कर दिए गए हैं। जो चैप्टर 6 है, ठीक है, वो है आपका द स्टेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पूरा हटा दिया गया है। और जो चैप्टर 7 है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको भी हटा दिया गया है। चैप्टर 8 में भी आपके सिर्फ 3 टॉपिक हैं जो आएंगे, वो मैं आज इस वीडियो में टोटली कवर कर लूँगा। तो ये चैप्टर 8 का, इसमें कोई भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सिंगल वीडियो होगी। सिंगल वीडियो में मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक चीज़ आपको अपनी बुक के बारे पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक इकोनॉमिस्ट, इस आपके 3 सेक्शन हैं, ठीक है। बेसिकली सबके 3 ही सेक्शन होंगे, एक सेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंडर आते हैं आपके 1 to 5 चैप्टर्स, ठीक है। इसमें आएंगे आपके 16 चैप्टर आपके सेक्शन 2 में हैं, ठीक है। और बाकी आपके जो 17 to रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स हैं जितने भी आपके, ओके, दैट इज़ मेजरली जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है वो सेक्शन 3 है आपका, ठीक है। ये दोनों हमारे थ्योरी पोर्शन है। तो जो आपका सेक्शन 1 है उसमें चैप्टर 1 to 5 आ रहे हैं, और सेक्शन 2 में आपके 6 to 16 अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैंक ISC इकोनॉमिक्स। और बाकी भी लगभग यही होगा क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है सबका, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो सेक्शन 2 में हमें 6th चैप्टर नहीं पढ़ना, 7th चैप्टर जो टोटली हटा दिया गया है। 8th चैप्टर में भी बस 2-3 टॉपिक हैं जो मैं आज कवर कर दूंगा, तो ठीक है अब तक। और इससे पहले जिसने वीडियोज़ नहीं देखी, मैंने 1 to 5 की पूरी कवर कर ली हैं, ठीक है, तो वो आप प्लीज़ जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। खैर, अब बात करते हैं जो आपका टॉपिक इंक्लूड किया गया है इस बार चैप्टर 8 में, दैट इज़ योर पैरामीटर्स और द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को ही इंक्लूड किया गया है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, होता क्या था कि सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरह का इंडेक्स होता है, ठीक है। इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है कि जिस कंट्री का HDI इंडेक्स हाई होता है, मतलब वो कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस कंट्री में, उस कंट्री का जो ह्यूमन क्वालिटी है ना, बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले आपको देखिए, जब भी आप, अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, 6 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द HDI, ठीक है। HDI के आपको पूरा एक्सप्लेन करना, एक तरह का UPSC मान लीजिए कि UPSC का एक तरह का ऐसी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको उसको इंट्रो देना पड़ता है और उसको समझाना पड़ता है कि है क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरत है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑल दैट। वैसे ही मैं आपको समझा दूंगा, वैसे ही आप एक ब्रीफ में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप पूरा कंटेंट इसमें फ्रेम कर लेंगे 6 मार्क्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये कौन सी बॉडी बनाती है वर्ल्ड की। देखिए, ये बनाती है आपकी UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि एक UN की ही बॉडी है, ठीक है, UNDP, वो उसको बनाती है। अच्छा, इसने बनाना कब शुरू किया था, 1919 में। और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में कि ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, अमर्त्य सेन, ठीक है, उन्होंने बनाया था। और एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इन दोनों ने मिलके ये, ठीक है, आपका HDI इंडेक्स है जो है बनाया था, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या ध्यान में चीज़ें रखनी है, आपके इंट्रो जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट इज़ डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एंड इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1919 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले इसे 1990 में किया गया था। देखिए, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब जो सेकेंड उसके बाद आप पैराग्राफ लिखेंगे ना कि वाई देयर इज़ नीड टू फाइंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, पहले क्या होता था ना, 1990 से पहले, ना 1990 से पहले सब लोग वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि हर कोई सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी कर लीजिए आप, ठीक है, वो आपके लिए बेटर है, वही वो एक तरह का मेन इंडिकेटर माना जाता था आपकी डेवलपमेंट का। लेकिन 1990 के बाद ना कुछ चेंजेस आने लगे, सबको लगा कि नहीं यार, क्योंकि अब लोग के पास, ऑलमोस्ट सब कंट्रीज़ के पास, स्लोली स्लोली देवर स्टार्टिंग टू डेवलप, उनके पास पैसा आने लगा, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पैसा हर चीज़ नहीं है, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंपॉर्टेंट है अदर देन द इनकम, ठीक है। इनकम तो है ही है, वो तो होनी ही चाहिए, प्लस आपकी ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है, अदर देन द इनकम बेसिकली। तो इन चीज़ों को अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है या कंट्री की प्रोग्रेस है उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इनको यूज़ करना शुरू किया जाने लगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो
भी आप गाना सुना ही होगा, तो पैसा पैसा करती है पैसे पे क्यों मरती है ना। तो यूएन ने कहा कि नहीं, पैसे पे नहीं मरना हमें, ठीक है। तो वो बेसिकली वो बात है, आगे मुझे नहीं आता गाना, ये जो मेन लाइन थी वो मुझे पता है, ठीक है। खैर, नॉट अ गुड जोक। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ, वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। आई एम नॉट मैसी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है जो मैंने अब समझा दिया है, ठीक है। से UNDP द्वारा बनाया जाता है, 1990 में फर्स्ट टाइम बनाया गया था। इसको क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी थी, ह्यूमन को सेंटर में रखा जाना ज़रूरी है। देखिए, हर चीज़ जो भी हो रही है इकॉनमी में, इट शुड बी फॉर द ह्यूमन बींग्स। अल्टीमेटली हम ही तो, मतलब सब ह्यूमन्स के लिए तो हो रहा है ना सब कुछ। तो उसके लिए आपके अदर देन इनकम फैक्टर्स इंक्लूड करने जरूरत है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, पॉलिटिकल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें भी अब मैटर करने लग गई, ठीक है, किसी कंट्रीज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए ना, ठीक है। ये सब चीज़ें भी कंपेयर करने ये सब चीज़ें भी क्या क्या करने लग गई, आपकी क्या करें, फ्रेम में आने लग गई, ठीक है, वर्ल्ड में। ओके, और ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल जो UNDP है ना, इसकी रिपोर्ट छापता है और कंट्रीज़ की रैंकिंग देता है। मैं अपनी कंट्री, हमारी कंट्री जो इंडिया है ना, उसकी भी आपको रैंकिंग बताऊंगा, ठीक है। और जो फर्स्ट रैंकिंग है HDI में पूरे वर्ल्ड में, उसकी भी रैंकिंग अभी शॉर्टली आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा। अच्छा, तो सब इसमें देखिए, अब इसमें सब क्या हुआ, HDI आते सब ने किसका रोना रोना शुरू कर दिया, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी क्या देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी 2 मार्क्स की डेफिनेशन बन सकती है, वॉट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट, ओके, इज़ डिफाइंड इज अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइसेस एज वेल एज रेसिंग द लेवल ऑफ वेल बींग्स अचीव। इसका मतलब होता है कि आपको आपकी जो लोगों की चॉइस है ना, उसको वाइड करना है। जो पीपल्स चॉइस है, देखिए, पीपल चॉइस पहले क्या होती थी, इनकम होती थी, मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन अब उसको वाइड करना है। इसको एजुकेशन भी लाना है इसके अंडर, इसके अम्ब्रेला के अंडर इसका हेल्थ भी लाना है, इसकी फ्रीडम भी लानी है, वुमन सिक्योरिटी भी लानी है, आपकी हेल्थ भी लानी है। सो ये सारी चीज़ें भी, मतलब जो पीपल्स की चॉइस है ना, उसको क्या करना था, वाइड करना था। पीपल्स की चॉइस को क्या करना था, वाइड करना था। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिनेशन का। तो सिंपली आप लिख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पीपल्स वाइडनिंग चॉइसेस, है ना, वाइडनिंग चॉइसेस एज वेल एज रेसिंग द लेवल ऑफ वेल बींग्स अचीव्ड। जो उनकी लेवल था ना वेल बींग का, उसे रेस करना, ठीक है। जो पहले सिर्फ वेलबींग केस को माना जाता था, इनकम को माना जाता था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जाने लगी, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। प्लीज़ प्लीज़ आप ना कमेंट में मुझे बताइए करिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरा हौसला बहुत बढ़ता है, ठीक है। सो प्लीज़ आई वॉन्ट यू टू कमेंट, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, जो भी आपको जैसा भी लगता है, आप फ्री टू कमेंट, बस गाली मत लिखिएगा, ठीक है। खैर, तो इसमें से यही इंपॉर्टेंट है, देखिए उन्होंने सेम चीज़ बार बार लिखी हुई है, दैट इज़ ओके, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। ये ट्रेडिशनल जो अप्रोच से उससे ब्रॉडर था, वो सब चीज़ें हैं बेसिकली। आप यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले देखिए आपको आंसर लिखना है जब 6 मार्क्स का, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप क्या इंट्रो में इतना लिख देंगे, ठीक है, इतना पोर्शन इतना इंट्रो में लिख देंगे कि किसने बनाया, कब बनाया, उसके बाद क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, आपको मैंने बता दिया है कि अदर देन द फैक्टर्स 1990 के बाद रियलाइज़ किया कंट्रीज़ ने कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फ्रीडम, लिटरेसी, ऑल दैट थिंग, ठीक है। उसकी वजह से इसके HDI के इंडेक्स की जरूरत पड़ी, और उससे हम क्या निकाल, उससे क्या हेल्प करते हैं इस इन मतलब इसको बेसिकली अल्टीमेटली क्यों किया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इन सब चीज़ों से होगी, तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए इन चीज़ों को कंसिडर किया गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की आप डेफिनेशन दे सकते हैं, ये आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद आप सीधा ये लिखिए कि मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे उन्होंने समझाया, कैसे उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, और मतलब डीपली। जो मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट आपको समझा दिया कि लोगों की चॉइसेस को वाइड कर देना और उनका जो लेवल ऑफ अचीवमेंट है उनको रेस कर देना, लेकिन उन्होंने और भी चीज़ें समझाई, उन्होंने समझाया कि ह्यूमन डेवलपमेंट व्यूज़ पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ एज अ सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सेंटर लीजिए। आप ये नहीं कि पैसा कमाने के चक्कर में बिल्कुल ही आप ह्यूमन की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब कर दे रहे हैं ना, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, आप ऐसी कि ऐसी भी क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन थिंग इन दिस फर्स्ट पॉइंट, ओके, कि एक तरह का पीपल को आप क्या करिए, सेंटर में पुट करिए। देखो, पुटिंग द पीपल एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब जो डेवलपमेंट है, जो भी काम करे लोगों के लिए होना चाहिए, लोगों के द्वारा, लोगों के मतलब ये ही और लोगों के हित के लिए होना चाहिए बेसिकली, ठीक है।
ये इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब था। दूसरा था देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, मतलब इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं ना, उसकी जो एंड है ना, वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पे आके रुकना चाहिए हर चीज़, आपकी सारी एक्टिविटीज़, ठीक है। और द पर्पस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वाइडन ऑल चॉइसेस। तो मैंने बता दिया जो चॉइसेस हमारे, ना सिर्फ इनकम, आपकी एजुकेशन वो भी होनी चाहिए, ठीक है, आपका जो है लिटरेसी लेवल वो भी, मतलब आपका हेल्थ केयर भी होना चाहिए, आपकी फ्रीडम भी होनी चाहिए, आपका जो है वहाँ का पीस, यानी कि राइट्स हो रहे हैं, रोज़ दंगे हो रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं, वो सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, तो उससे हमारी ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। खैर, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं, तो आपके इसे इसमें से 2-3 याद रख लीजिएगा। अगर ओवरऑल आपको एच डी आई का अगर क्वेश्चन बनाना है, तो इसके ह्यूमन डेवलपमेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसके 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ये अलग से भी 6 मार्क्स में आ सकता है, तो आप ये मान के चलिए। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि आपके बहुत कुछ काट दिया, तो इसमें से बहुत डीपली पूछ सकते हैं। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वॉट आर द मेन प्रोपोजिशन और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है तो सारा कवर हो जाएगा, अगर सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट के समझाना होगा तो आपके सिर्फ ये 5 पॉइंट्स हैं, इसमें से 4 से 5 पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए आप, ठीक है, फॉर द 6 मार्क्स। अब आ जाइए आगे, तो आपका अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बाद आपका कोई भी टॉपिक इस सिलेबस में इस बार नहीं है। तो देखिए, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, हमने ये तो समझ लिया कि एक HDI इस क्या करती है, UNDP HDI क्या करती है, रिलीज़ करती है, ठीक है, HDI रिलीज़ करती है हर साल। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, देखो मैं आपको आपको बता दूं, इसकी जो रैंक, इसके जो मार्क्स दिए जाते हैं हर कंट्री का, वो दिए जाते हैं 0 to 1। अगर कोई कंट्री मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो 1 के क्लोज होगा। जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट आपका 954, ठीक है, ये आपका अभी तक 2019 का मैक्सिमम HDI इंडेक्स है, और आपको HDI इंडेक्स ना 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपका नॉर्वे का है। तो नॉर्वे आप कह सकते हैं नंबर 1 कंट्री है, जिसकी आपके अदर देन इनकम भी, इनकम तो है ही और बाकी फैक्टर्स भी जिसमें अच्छे हैं, तो नॉर्वे एक तरह की बेस्ट कंट्री कह सकते हैं वर्ल्ड की, अकॉर्डिंग टू द HDI। अच्छा, अब जिस कंट्री जो आपकी 0 के क्लोज है, जैसे 0.351, ठीक है, 0.252, 0.445 जो भी है, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस पे जो 0 के क्लोज है, वो कंट्रीज़ का लो HDI है, वो बहुत की कंट्रीज़ हैं कि आप कह सकते हैं उनको बहुत ग्रो करने की ज़रूरत है या बहुत प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, आपकी मोस्टली इसमें आती है। अब इंडिया कहाँ आएगी, देखिए फिर से इंडिया का थोड़ा सा अब क्लीन कर देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। इंडिया देखिए 2019 की बात बता रहा हूँ मैं, आपकी बुक में 2017 का आंकड़ा है, मैं आपको 19 का आंकड़ा बताता हूँ, ठीक है, वो है आपकी 0.647। हम यहाँ पे हैं मिडल, आप कह सकते हैं मिडल से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.5 मिडल हो गया, उससे थोड़ा सा हम ग्रो कर रहे हैं, और इंडिया की रैंक है 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़, ठीक है, 129, अभी भी हमें बहुत बहुत इम्प्रूव करना है, तो हमारी रैंकिंग 129 है आउट ऑफ 189। ओके, श्रीलंका आई थिंक इज़ बेटर देन इंडिया, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है, हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज हमसे अच्छा कर रही हैं, ठीक है, लेकिन हम भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, एंड वी आर इम्प्रूविंग डे बाई डे। ओके, सो बट स्टिल वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस फैक्टर्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये जो बेसिक चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं आपकी ये बुक वाले चीज़ों पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट इन द न्यू अप्रोच टू द, आपको एक तरह का बिल्कुल ये नई अप्रोच थी ह्यूमन डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काउंट करने के लिए, ठीक है, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्लूड कर दिया गया था आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। अब क्या चीज़ें देखी जाती हैं, देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है आपका डायमेंशन, उसके बाद होता है आपका ये आपका इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये आपके डायमेंशन है 3, ये आपके इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर से आपका बाद में आएगा आपका आपका डायमेंशन इंडेक्स, ठीक है, डायमेंशन इंडेक्स आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको देखिए HDI निकालने के लिए ना मोटे मोटे तौर से 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, पहले जो आपकी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, टू एक्वायर नॉलेज एंड टू हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब तीनों को कैसे आप कैलकुलेट करोगे, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को कैसे, देखिए लॉन्ग, ये देखिए जो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है ना, उसको कैलकुलेट किया जाता है मेजर, इट इज़ मेजर्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब इसका मतलब होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कितने साल जीता है, ठीक है, कितने साल जीता है, वो होता है हमारा लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का आप कह सकते हो एक तरह का
इंडिकेटर, तो इसका इंडिकेटर ये है, मतलब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ कैसे पता लगेगा, ये हमारा डायमेंशन है, तो इसका इंडिकेटर ये है, मतलब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ का कैसे पता लगता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है कि कोई कितना जीता है अपने जन्म लेने के बाद। अब मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, जब इंडिया वो हुई थी ना, इंडिपेंडेंट हुई थी, तो हम 31 इंडियन 33 ईयर्स जीता था बस एवरेज का, वो कितनी कम थी। अब हम 2019 के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया 69 ईयर्स, मतलब एक इंडियन 69 ईयर्स जीता है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हमारी क्या जो हुई लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, वो इंक्रीज़ हुई है नाइन इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक। ठीक है, अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि बेसिकली इसको कैसे कैलकुलेट, इसको मतलब जो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है ना, जो आपका डायमेंशन है, इसको इससे कैलकुलेट किया जाता है। ऐसी जो नॉलेज है आपका, इन दोनों से कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज़ द, ये आपका नॉलेज का है। ठीक है, आपकी नॉलेज कैसे चेक की जाती है, एक तो होता है मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है मतलब जो देश में 25 या 25 से ऊपर लोगों, कितने लोग एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, इंडिया में इसका डाटा बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली पीपल आर नॉट स्टडिंग आफ्टर द 25 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में दे आर डूइंग रिसर्च, या फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली बहुत पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होता है कि जो एक बच्चा मतलब कितना साल तक पढ़ता है। लेट सपोज आपने क्या किया कि स्कूलिंग हमारी कितने साल की होती है, बेसिकली 15 साल की होती है। अगर आपने पूरी स्कूलिंग की है अप टू क्या कह सकते हैं, ठीक है, अप टू 10, अगर जो आपका स्कूल में जो होता है, अगर नर्सरी से आपका 12th कैलकुलेट किया जाए, तो आपका 15 साल है ना, 15-16 साल, तो ये होता है हमारा एक्सपेक्टेड स्कूल्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है, इट इज़ नॉट 15 ईयर्स, में भी कई बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये होती है हमारी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि एक बच्चा जो है, या एक तरह का मतलब एक कंट्री का एक डाटा से शो कर दिया जाता है, सब बच्चों का एक एक डाटा से शो कर दिया जाता है कि इस कंट्री में एक एवरेज मतलब जो बच्चा है कितने ईयर्स तक स्कूल में रहता है। ठीक है, तो इसका डाटा आप देखिए, आप गूगल कर सकते हैं, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा आपको कि हमारा मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है। अब थर्ड जो हमारा आपका जो डायमेंशन है, दैट इज़ द हाउ टू गेट अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लास्ट पॉइंट। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट सारे हैं, मतलब इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे आपको। आपका ये बहुत देखिए, ये कैलकुलेट आपका होता है, देखिए यहाँ पे जीडीपी लिखा है, मुझे पता नहीं क्यों इसमें लग रहा है कि ने जीडीपी क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप रिसेंटली आप देखेंगे तो जीएनआई आएगा आपका। अगर आप यूएनडीपी के रिसर्च आप वेबसाइट चेक करेंगे ना, तो जीएनआई है, नॉट जीडीपी। देखिए जीडीपी और जीएनआई होता क्या है, जीडीपी एक तरह की, ये भी हमारे देश की इनकम है, ये भी देश की इनकम होती है, कुछ प्लस माइनस चीज़ें करनी होती हैं, वो आप 10th 12th क्लास में बेसिकली सीखेंगे। तो आप अभी के लिए समझो ये भी एक तरह की इनकम है पूरे देश की, और ये भी एक तरह की इनकम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन डिफरेंस है इसमें, काफ़ी डिफरेंस है, कुछ चीज़ें प्लस माइनस करनी होती हैं। ठीक है, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है, ये हमारी नेशनल इनकम है बेसिकली, तो कुछ ना कुछ है डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे जीएनआई आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लेकिन आपकी बुक में तो आप जीडीपी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में है तो आपका काटा नहीं जाएगा बेसिकली। बट आप अगर यहाँ पे टीचर्स को बता सकते हैं जो भी पढ़ा रहे हैं कि एक्चुअली में जो यूएनडीपी है जीएनआई को यूज़ करता है, ठीक है, ना कि जीडीपी को। ठीक है, मे बी पहले जीडीपी को यूज़ करता हो, फाइन। तो ये एक तरह का थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो आप क्लियर कर सकते हैं अपने टीचर से आप जी, लेकिन सिंस इट इज़ रिटन इन द बुक, तो आप जीएनआई या जीडीपी कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इसको बहुत बहुत ध्यान सुनना, और डी जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो कैलकुलेट किया जाता है जीएनआई पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको पहले भी समझा दिया जीएनआई पर कैपिटा क्या होता है। ठीक है, जीएनआई पर कैपिटा इनकम पीपीपी के हिसाब से, परचेसिंग पावर पैरिटी। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ये कंसेप्ट, परचेसिंग पावर पैरिटी किसको बोलते हैं। देखिए जो जीएनआई है ना, ओके जीएनआई है आपका, ये होता है हमारे पूरे देश की इनकम। मान लीजिए आप एक हिपोथेटिक, आप पूरे देश की इनकम मान लीजिए, जब इसे आप पूरी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे ना, तब हमारी क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। मतलब जब जीएनआई को आप टोटल पॉपुलेशन से, जीएनआई मैं फिर से लिख देता हूँ, जब आप जीएनआई जो हमारे देश की इनकम है, जब इसे आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तब आपकी क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, दैट इससे कैलकुलेट होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ किस पे कैलकुलेट की जाती है, पी 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 पे। ठीक है, इसको भी बताता हूँ क्यों, कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए
इसका कंसेप्ट क्या है, GNI, अब ध्यान रखना मैं GNI यूज़ कर रहा हूँ, आपकी बुक में GDP आपका पर कैपिटा इनकम है, लेकिन मैं GNI पर कैपिटा इनकम बता रहा हूँ, ठीक है। अब PPP क्या होता है, देखिए PPP क्या होता है, मैं ये इसका समझाता हूँ आपको। जो आपकी इनकम होती है ना, देश की इनकम, ठीक है, मान लीजिए GNI आपकी देश की इनकम, आपकी GDP है तो आप GDP भी लिख सकते हैं। तो GNI आपका दो तरह की होती है, एक नॉमिनल होती है, ठीक है, एक इसे बोलते हैं नॉमिनल, मैं पूरा नहीं लिखना, एन से शो कर रहा हूँ, इट इज़ नॉमिनल एंड दिस इज़ योर PPP, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है आपको मैं एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको दिल्ली में एक रेंट लेना है, घर घर पे एक आपको घर एक रेंट पे लेना है, तो जो वैसा ही अगर से वैसे ही अगर मान लो 2 बेडरूम सेट आप न्यूयॉर्क में लेते हैं, तो क्या आपको उतने का पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या अगर आप टोक्यो में लेते हैं, क्या आपको उतने का पड़ेगा जितना दिल्ली में पड़ रहा है? नहीं। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग वेरी हाई है ना। जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ना, उसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, कि मतलब आपकी कितनी परचेसिंग पावर है। देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, हमारी इंडिया जैसी, इनकी परचेसिंग पावर हम डेवलप्ड कंट्री से ज़्यादा है। मतलब जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जिसको अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए अब $1 की वैल्यू कितनी है, लेट्स ₹70 मान लीजिए, ठीक है, ओके, 1 रुपये की 70 मान लीजिए। अब वहाँ पे एक मान लीजिए कि एक कॉफ़ी US में, ओके, आप ऐसे समझिए कि एक कप कॉफ़ी का कितने का मिलता है बेटा, आपको $1 का मिलता है वहाँ पे, एक $1, ठीक है, $1, ठीक है। इंडिया में 1 कप कितना मिलता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 का, ठीक है, एक हम एवरेज मान लेते हैं, ज़्यादा बड़े हम उसमें नहीं जा रहे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, हम एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि ₹10 का आपको एक जो है एवरेज ₹10 का क्या मिल जाता है, कॉफ़ी का कप आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको चेंज कर दो तो ₹70 अगर एक्सचेंज रेट चल रही है, तो देखा जाए तो हम $1 में, जहाँ पर US में सिर्फ आपको एक ही कप मिल रहा है, उतने रुपए में $1 में आपको 7 कप मिल जाएंगे इधर, क्योंकि ये ₹70 के बराबर है। तो हमारी परचेसिंग पावर ज़्यादा नहीं हुई, मतलब US वाले $1 में सिर्फ 1 कप खरीद पा रहे हैं, हम उतने ही पैसे में $1 में हम कितने ले रहे हैं, 7 कप ले रहे हैं। तो ये होती है हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी। तो जब हम क्या करते हैं कि आपकी परचेसिंग पावर कितनी है आपकी आपकी कंट्री की, देखिए हम डॉलर से कंपेयर करते हैं पूरे वर्ल्ड को, तो इसलिए मैंने डॉलर से लिया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं जब दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं कि भैया वहाँ पे हम इतने $1 का तो ये सामान ले रहे हैं, लेकिन इंडिया में आपकी परचेसिंग पावर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप समझ में आए आपको कि हम वाई हम GDP जो है PPP से हिसाब से क्यों लेते हैं, जी हमारी PPP क्या होती है, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, देखिए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका, ये कैलकुलेट होता है आपका इससे, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर है आपका, इससे कैलकुलेट होता है डिसेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब डिसेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किससे कैलकुलेट होता है, जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है किससे कैलकुलेट होता है, आपका GNI पर कैपिटा इनकम एट PPP, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, परचेसिंग पावर पैरिटी। हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की परचेसिंग पावर ज़्यादा होती है आपकी डेवलप्ड कंट्री से, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसलिए क्या होता है कि आप ये भी पढ़ सकते हैं कि हमने क्या किया, करेंसीज़ को पहले स्टैंडर्ड करेंसी में चेंज कर दिया। स्टैंडर्ड करेंसी कौन सी है बेटा, डॉलर्स है। सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू कन्वर्ट द करेंसी से द डिफरेंट कंट्रीज से जीता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब करेंसीज़ को US डॉलर में चेंज कर देते हैं, और फिर देखते हैं कि मान लीजिए कि रशिया में $1 का हम कितना खरीद रहे हैं, इंडिया में $1 का कितना खरीद रहे हैं। तो उससे हमें क्या पता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पता लगती है, उससे हम क्या निकालते हैं, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो जो आप ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो करेंसीज होती है ना, देखिए जो परचेसिंग पावर आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की कम होती है कंपेयरिंग टू द डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी परचेसिंग पावर बहुत है अगर उनसे कंपेयर करें, अपने से कंपेयर करें तो हमारी बहुत कम है, लेकिन अगर उनसे कंपेयर करें तो अगर वो पैसा आप ₹1,000 आप अगर आपके पास US में है, और ₹1,000 अगर आपके पास US में है, और सेम ₹1,000 अगर आपके पास इंडिया में है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा सामान खरीदने के उसमें, ठीक है, दोनों के समान। देखिए डॉलर सेम है, वहाँ भी 1,000, वहाँ भी 1,000, लेकिन जब उसे मार्केट में लेके निकलेंगे ना, तो आप बहुत इंडिया में बहुत ज़्यादा खरीद लेंगे, US में बहुत कम खरीद पाएंगे। तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो जो PPP एक्सचेंज रेट है, जो PPP एक्सचेंज रेट बन गई है, इट इज़ अ रेट एडजस्टेड फॉर द डिफरेंस
इन द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द सेम बास्केट ऑफ गुड्स इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. जी डी पी ऑफ अ कंट्री इज कन्वर्टेड इन टू द यू एस डॉलर इज एडजस्टेड इन टू द पी पी टेकिंग आउट ऑफ डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग द सेम बास्केट ऑफ द टर्म्स ऑफ द टू करेंसीज. तो जी डी पी पर कैपिटा इनकम, तो हमारी जी डी पी जी एन आई पर कैपिटा इनकम कितनी है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. तो आप ये फाइंड कर सकते हैं जी एन आई पर कैपिटा इनकम एट परचेसिंग पावर हमारी कितनी है इस समय हमारी कंट्री में. आप गूगल कर सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा. ठीक है, मान लीजिए कि आपकी 1000 डॉलर्स में कि आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई माना जाएगा फिर अगर कंपेरेटिंग टू द आपका डेवलप्ड कंट्रीज़. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं हमारी. ओके, तो देखिए अब आपको ये चीज़ समझा दूंगा. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा. ठीक है, डायमेंशन पढ़ा जो कि तीन डायमेंशन थे आपके. ये देखिए आपके तीन डायमेंशन थे, थोड़ा सा शायद मैसी हो रहा होगा लेकिन आई होप इट इज़ क्लियर. देखिए ये तीन डायमेंशन है आपके. ठीक है, इन डायमेंशन से ये देखिए ये डायमेंशन है. डायमेंशन से आपका क्या आता है, ये आपके इंडिकेटर्स हैं. डायमेंशन से डायमेंशन के क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं. इंडिकेटर से फिर आपका क्या बनता है लास्ट में, ये बनता है आपका, आपका क्या बनता है, दैट इज़ दिस थिंग. ओके, ये चीज़ इंडेक्स आते हैं. तो सबसे पहले डायमेंशन, फिर उसके बाद इंडेक्स, और उसके बाद इंडेक्स, उसके बाद आपका सॉरी दिस इज़ द इंडिकेटर्स. ये आपका इंडिकेटर्स है. देखिए सबसे पहले डायमेंशन, तीन डायमेंशन थे हमारे, उसके बाद इंडिकेटर्स पढ़े. अब हमने तीन चीज़ पढ़ी हैं जो है आपका दैट इज़ इंडेक्स. ठीक है, जो है आपका इंडेक्स. ठीक है, तो आपका क्या है, इंडेक्स. ओके, सो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द थिंग. ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डायमेंशन. ये आपका क्या है, ये आपका इंडिकेटर्स, और ये आपका क्या है. तो तीन चीज़ें आपको देखिए, एच डी आई इंडेक्स. अब आप आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपका इसका इंट्रो लिखना. ठीक है, ये कैसे, क्यों क्यों इसे मतलब लाया गया था, रीज़न वाई. ठीक है, उसके बाद जब उसका इसका आपको ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक्सप्लेन करना है. आफ्टर एक्सप्लेनिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट आपका इसको एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो कंस्ट्रक्ट में आप तीन चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, डायमेंशन. ठीक है, डायमेंशन एंड योर इंडिकेटर्स. उसके पहले सबसे पहले डायमेंशन थे, फिर उसके बाद इंडिकेटर्स आए, उसके बाद आपको ये तीन चीज़ लिखनी है. इससे क्या आपका इंडेक्स बन के आएगा. ठीक है, इंडेक्स से आपका क्या बाद अल्टीमेटली आप इनसे बाद में क्या निकालेंगे, हम एच डी आई निकालेंगे. सिंपल बेटा इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ. देखिए इसका जोमेट्रिक मीन होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का. ठीक है, एल ई आई का, इन तीनों का जोमेट्रिक मीन निकाल दीजिए. मतलब आपको जोमेट्रिक मीन तो आप पता ही होगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो अच्छे से पता होगा. ठीक है, ये हमारा ए डी जी से बोलते हैं, या ए जी आप जी एन आई का, या जी एन आई पर कैपिटा इनकम लिख सकते हैं आप, जी एन आई पर कैपिटा इनकम एट पी पी पी. तो इसका जब हम क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम आपका ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एच डी आई निकल के आ जाता है. एक मैं वीडियो ना आपको बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने एच डी आई पे बनाई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है. ये थोड़ा सा मैसी हो रहा है, उसको आप एक जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा. सो आई होप इट इज़ क्लियर. तो आपको नोट्स मैंने बता दिया है, इंट्रो लिखना, रीज़न लिखना क्यों लाया गया था, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करना, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है आपको, डायमेंशन, फिर आपका इंडिकेटर्स, और आपका डायमेंशन जो आपका डायमेंशन इंडेक्स है, या इंडेक्स आप कह सकते हैं, इसे डायमेंशन इंडेक्स ही बोलते हैं. सबसे पहले डायमेंशन, फिर इंडिकेटर्स, फिर डायमेंशन इंडेक्स. तीनों को आप लिख दीजिएगा, और उसके बाद लिख दीजिएगा कि डायमेंशन इंडेक्स से हमारा क्या आता है, इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो हमारा एच डी आई होता है. होप इट इज़ क्लियर टू यू. ठीक है, मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट समझा दी, और उसका एक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा, उससे आपके सारा जो मैसी हो रहा है ना इसमें सब क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.